हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स के खिलाफ खाद्य एवं सुरक्षा विभाग का छापेमारी। प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स के बैन को लेकर सिद्धार्थनगर जिले में भी व्यापक पैमाने पर खाद्य विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के एक ग्रोसरी स्टोर पर छापेमारी कर हलाल सर्टिफिकेट लगे हुए एक कंपनी के मसाले को बरामद कर उन्हें सीज किया गया। हलाल प्रोडक्ट्स की बिक्री को लेकर छापेमारी की कार्रवाई के बारे में बताते हुए सिद्धार्थनगर जिले के सहायक आयुक्त खाद्य एवं सुरक्षा जेपी दुबे ने बताया कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स पर बैन लगने के बाद सिद्धार्थनगर जिले में कार्रवाई की जा रही है। अभी जनपद मुख्यालय के कुछ ग्रोसरी की दुकानों में छापेमारी की गई है और एक दुकान से मसाले के कुछ पैकेट बरामद किए गए हैं जिस पर हलाल का सर्टिफिकेट अंकित है। उन्होंने कहा कि बरामद इन प्रोडक्ट्स को सील कर आगे जाँच के लिए भेजा जा रहा है। जेपी दुबे ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में अभी यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। हलाल को लेकर के अपने जिले में किस तरह की कार्रवाई चल रही है, अब तक क्या कुछ हलाल के प्रोडक्ट कितने मिले हैं? हलाल प्रोडक्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो अपने जनपद सिद्धार्थनगर में भी कार्रवाई कर रहे हैं। कई जगह छापे मारे गए हैं। अभी हम लोग आज ग्रोसरी मॉल पे आए हुए हैं। यहाँ पे एक कुछ मसाले के प्रोडक्ट मिले हैं जिस पे हलाल सर्टिफिकेशन दर्ज है, उसका हम लोग सैंपल लेकर ले रहे हैं और उसको सीज कर रहे हैं माल को। क्या ये अभी और भी ये कार्रवाई चल रही है? ये आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी और सभी दुकानों पे हम लोग इसका निगरानी किए हुए हैं और जहाँ भी माल मिलेगा उसको हम सीज करेंगे और सैंपल जाँच में भेजेंगे।